हर 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 महादेव।
जग प्रेम बरसाने वेद भी बखाने रे पुराण भी बखाने भोला के दीवाने जग प्रेम बरसाने राम कृष्ण सब से तेरी भक्ति ओ राम कृष्ण सब से तेरी भक्ति शरणागत हर जे हर 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 महादेव राम कृष्ण सबसे तेरी भक्ति राम कृष्ण सबसे तेरी भक्ति राम कृष्ण सबसे तेरी भक्ति शरणागत हर दे हर हर महादेव इनके आगे तो ऐसे ही आदमी ठीक है ना, इनके हटके आगे ऐसे ही हो जाता है। बिल्कुल सही कार्य में भी ऐसे ही हूँ, क्योंकि वो कुछ भी मांगती है ना। ला दूंगा भाई, चुप हो जाओ बस। बोलो सच्चे दरबार की। सारे भक्त भांग पीकर आपका ही नाम बदनाम करते हैं और ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। हे भोलेनाथ सुनो मेरी बात, सुन भोले सुन शंकर सुन भोले Thank you.
पूनम मस्ताना। जग सारा पहचान गया है, साहिल भेद ये जान गया है। भोले भांगे का भेद बताना, पूछ रही पूनम मस्ताना। जग सारा पहचान गया है, साहिल भेद ये जान गया है। सुन भोले सुन शंकर, राम दर्शन करूं भोलेनाथ माँ गौरी को एक हरीश वाले हैं। मन में इच्छा हुई के राम दर्शन करूं, शाह हुई के राम दर्शन करूं।
दर्शन करूं क्या तेरे नाम में। बच्चे हैं ये, बच्चे नहीं भगवान है, क्योंकि भगवान ने भगवान को हाँ मोदी में लिया है। बोलो सच्चे दरबार की आओ जरूर, और अभी सुंदर दृश्य सब परिवार वाले आशीर्वाद लेंगे। रास्ता बना देना बीच में से भाई, ये चप्पलें हटा दीजिएगा बीच में, अभी मैंने बीच में हटाई बाकी फिर हाँ ये हटा दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं सभी अभी बैठो आप तालियों से स्वागत प्रभु के दर्शन। ढेर सारा सिंदूर देखकर आज बढ़ गई होगी, अब मैं सदा सिंदूर का प्रयोग करके प्रभु को प्रसन्न रखा करूंगा। हनुमान ये कौन सी लीला रच रहे हो? प्रभु ये मेरी लीला नहीं है, ये तो मैया का दिया हुआ ज्ञान है। प्रभु आपको खुश करने के लिए ही मैंने अपने शरीर पर सिंदूर लगाया है, आप प्रसन्न है ना? तुम्हारी मैया सीता ने तुम्हें क्या बताया है? मैया ने कहा कि उनकी मांग में सिंदूर लगा देकर प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है, तो मैंने सोचा कि सिंदूर की पतली रेखा से आप इतने अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है, तो पूरे शरीर पर सिंदूर मल लेने से आप कितने अधिक प्रसन्न होंगे और आपकी आयु और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसी कारण घी में घोटकर सिंदूर मैंने अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। हनुमान तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम भक्त शिरोमणि हो, तुमने भक्ति और सेवा के नए मानदंड स्थापित किए हैं। विश्व में जब भी कहीं भक्ति की बात चलेगी तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। आज मंगलवार के दिन तुमने मेरी प्रसन्नता और लंबी आयु के लिए ये लीला की है।
मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद जो कोई भी मंगलवार के दिन बजरंग बली को सिंदूर का चोला चढ़ाएगा या चोला चढ़ाने में सहायता करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। वो बजरंग बली की कृपा तो प्राप्त करेगा ही, साथ ही वो मुझे भी प्रिय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधारि बरनउ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि बजाएगा तू प्यारे हनुमान चुटकी बजाएगा तू प्यारे हनुमान चुटकी तेरे माथे पे है तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी बजाएगा तू प्यारे हनुमान चुटकी बजाएगा तू प्यारे हनुमान चुटकी वहाँ प्रभु है वहाँ जान किसकी चली रे चाल किसकी चली चाल किसकी गली रे चाल किसकी गली चाल किसकी गली वो तूने जानी नहीं रे जानी नहीं चुटकी राम राम झटपट जाएंगे संकट झटपट झटपट जाएंगे संकट झटपट टिक पाएगा रे कौन टिक पाएगा कौन टिक पाएगा अरे फिक्र न गए अरे फिक्र न कर तू वो चटकी बजाएगा तू प्यारे हनुमान चुटकी राम राम रख जोड़ झटपट तेरे कट जाएंगे संकट झटपट तेरे कट जाएंगे संकट झटपट माता जी ने घर से निकाला तो क्या रे निकाला तो क्या तेरा थोड़ी देर निकला दीवाला तो क्या रे दीवाला तो क्या तू भी दिखला दे तू भी दिखला दे जात अपनी मरकट की बजाएगा तू प्यारे हनुमान चुटकी बजाएगा तू प्यारे हनुमान चुटकी बजाएगा तू प्यारे हनुमान चुटकी तेरे प्रभु जानते हैं तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की बजाएगा
बजाएगा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम नाम रट छोड़ कट पट तेरे कट जाएंगे संकट जट पट तेरे कट जाएंगे संकट जट पट तेरे। ऐसे नहीं बोलोगे आप, बढ़िया। हाँ, अभी मैं माता सभी दर्शन करेंगे आज, क्योंकि कितना सुंदर दृश्य है, साक्षात प्रभु है। कहते जय श्री राम, कहते जय श्री राम, लगता है भोजन नहीं किया था। कहते जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कितना प्यारा है ये नाम, कौन सा नाम, कौन सा नाम, बड़ा अच्छा लगता है। कहते जय श्री राम, कहते जय श्री राम, आनंद आ रहा है। श्री राम, श्री राम चंद्र महाराज की, श्री लखन लाल की, सीता मैया की। कहते जय श्री राम। Thank you.
आप एक एक करके माथा टेक सकते हैं। आइए शुरू कीजिएगा दरबार में, कोई भीड़ नहीं लगाएगा। कृपा प्राप्त होती है भक्तजनों, आइए पंचमुखी श्री हनुमान जी के कवच का पाठ करते हैं। गरुण उवाच अथ ध्यानम प्रवक्ष्यामि श्रृणु सर्वांग सुंदरम दंष्टाकराल वदनम भ्रिकुटी कुटिले क्षणम अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारंभयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं दीप्तं नभोपमं पाताल सिंहवेताल हरं परं ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं ष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनि पुङ्गवं तं सर्वाभरणभूषितं विपन्नम् हनुमद् विश्वतोमुखम्। बोलिए जय श्री राम। देखो एक बार ताली श्री राम जी के दरबार। आइए पवन पुत्र शिव शक्ति आज हम हरिश्चंद्र मैं पार्टी के से शिव शक्ति भवन दरबार में अपने हाथ में कहेंगे क्योंकि सुनील सर वंदना करेंगे। उसके बाद जमुना नगर से आई मां की राशि आया है।
आपको ही देखनी है, हमारी तो रोज बनती है। थोड़ा लेट इसलिए हो गया कि थोड़ा सा दूसरा प्रोग्राम था और मैं फंस गया आज, बहुत बुरा फंसा आज। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन जिसको माँ बुलाती है उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसको माँ ने बुलाना है वो चाहे कैसे भी हो आ जाता है। एक बार सबकी हाजिरें लग रही है, दोनों हाथ उठाए बिल्कुल ऊंची करके। ओ जय माता की, ओ क्या बोलोगे, जय माता की, जय माता की, दे दे दर्शन, मोहल्ले दर्शन, जय माता की, 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 जिसने जितना दर्द सहा है उतना छेद भी पाया है। चलो Thank you.
गई है। तूने मैया उसकी तकदीर बनाई है, उसकी तकदीर बनाई है। तेरे नाम की किसने फिर ये ज्योति जगाई है, हर विपदा में उसकी माँ बनी सहाई है, हर विपदा में उसकी माँ बनी सहाई है, हर विपदा में उसकी माँ बनी सहाई है। तेरी रहमत के किस्से, तेरी रहमत के किस्से सारे जग को सुना दूंगा। Thank you.
ਨਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ
Thank you.
Hello.